नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं सोहन शर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही बढ़िया वाइट सॉस मशरूम पास्ता। बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट, बहुत ही शानदार रेसिपी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहन शर्मा किचन किंग में। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन का बटन ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ता बनाना। ये मैंने 1 लीटर पानी गैस पर चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर लिया है। ये पानी बॉयल करना है हमें। इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। तो चलिए पानी को गर्म होने देते हैं, तब तक हम निकाल लेते हैं पास्ता। ये मैंने ब्राउन पेनी पास्ता लिया है, आप जो मर्जी पास्ता ले सकते हो। बहुत सारी वेराइटियाँ हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी डिज़ाइन है, आप जो चाहो पास्ता ले सकते हो, वाइट वाले भी ले सकते हो। ये मैंने, हमें ब्राउन की रिक्वायरमेंट थी तो हमने ब्राउन लिए। तो चलिए पानी हमारा गर्म हो चुका है तो अब हमारे पास जो 150 ग्राम पास्ता है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद हमने मशरूम को वॉश करके रख लिया। 100 ग्राम मशरूम है, 2 प्याज है, 8 कली लहसुन है और 1/2 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अगर डालना बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप ना डालना चाहो तो ना भी डाल सकते हैं। ये हरी मिर्ची को मैंने बारीक काट लिया है, प्याज को मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है, लहसुन को मैंने घियाकस कर लिया है बारीक और मशरूम को मैंने इस तरीके से लंबे पीस में काट लिया है। इस तरीके से देखिए सारी सब्जियां तैयार कर ली है मैंने। अब ये मैंने माइक्रोवेव स्टीमर लिया है, इसके अंदर मैंने सारे मशरूम डाल दिए हैं। अब इसको मैं पानी डाल के थोड़ा सा और इसको मैं 4.5 मिनट के लिए स्टीम कर लूँगा। हाँ, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, आपको इसे स्टीम करना है तो आप गैस ऑन कीजिए, उस भगोना पतीला चढ़ाइए, उसमें पानी डालिए, उसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिए, पानी फिर निकाल दीजिए। तो मैंने इसको 4.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में लगा दिया है। तो चलिए इसे होने देते हैं हम माइक्रोवेव के अंदर और चेक करते हैं पास्ता। तो हमारे पास्ता देखिए लगता है बॉईल हो चुके हैं, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। चलिए हम पास्ता चेक कर लेते हैं। ये हाँ, ये बॉईल हो चुके हैं तो हम इसे एक जालीदार बर्तन या कोई टोकरी या कोई छन्नी वगैरह के अंदर इसे हम निकाल लेते हैं ताकि इसका पानी निकल जाए और पास्ता रह जाए। इस तरीके से देखिए ये पास्ता बिल्कुल हमें गलाने नहीं है पास्ता, इस तरीके से थोड़े खड़े खड़े रखने हैं ताकि ये पड़े पड़े अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। ये चीज़ ली है मैंने, प्रोसेस चीज़ ली है मैंने, ये 50 ग्राम चीज़ है। इसको मैं घियाकस कर लेता हूँ। आप जो आपकी पसंद की चीज़ हो वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाइट पास्ता है तो वाइट वाली चीज़ लेनी है आपको। तो मैंने गैस ऑन कर लिया है, फ्राई पैन चढ़ा दिया, उसके अंदर मैंने 3 बड़े टेबल स्पून बटर डाल दिया है। आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने बड़े टुकड़ों में कटे हुए 2 प्याज और लहसुन और हरी मिर्ची मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसे मैं 2 मिनट के लिए इस तरीके से हिला लूँगा। 2 मिनट तक इस तरीके से इसे हिलाते रहना है। गैस हमारा फुल फ्लेम पे है, मशरूम हमारे तैयार हो चुके हैं स्टीम होके। तो चलिए मशरूम को साइड कर देते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं प्याज को। चलिए इस तरीके से हम प्याज को चेक कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास जो मशरूम जो हमने स्टीम किए थे यानी कि बॉईल किए थे या जो भी आप कहना चाहो, बॉईल करना हो तो बॉईल कर लीजिए, स्टीम करना हो तो स्टीम कर लीजिए, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। 150 ग्राम, ये 100 ग्राम मशरूम थे तो मैंने इसके अंदर डाल दिए। देखिए 1 मिनट के बाद ये मशरूम थोड़े थोड़े इस तरीके से हो ब्राउन से हो गए, थोड़े गैस फुल फ्लेम पे, इसलिए मैंने गैस को सिम कर दिया है। और अब हम इसके अंदर हमारे पास जो 50 ग्राम चीज़ थी वो घियाकस की हुई, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसे हिला लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर क्रीम डाल देंगे। हमारे पास ये 200 ग्राम फ्रेश क्रीम है, ये सारी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये देखिए सारी 200 ग्राम फ्रेश क्रीम मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसको अच्छे से हिला लेते हैं। अब हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा दूध चाहिए हमें 1 कप दूध चाहिए। 1/2 कप दूध हम अभी डाल देते हैं इसके अंदर। तो आपको ये पास्ते उसी टाइम बनाने हैं जिस टाइम आप खाने के लिए तैयार हो, पहले बना के नहीं रखने, नहीं तो ये गाढ़े हो जाते हैं। अगर हाँ गाढ़े हो जाए जब आप गर्म करो तो थोड़ा दूध डाल के इसे नॉर्मल कर सकते हो। तो ये मैंने इसमें दूध डाला है 1/2 कप और ये
देखिए हाफ कप हम बाद में डालेंगे, अब हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला क्योंकि चीज़ के अंदर नमक होता है, हिसाब से डालिए। पहले ये ओरिगेनो 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो, बच्चे अगर नहीं पसंद करते हैं चिली फ्लेक्स तो आप ना डालें। देखिए हमारा व्हाइट सॉस कितना सुंदर बना है, कितना शानदार कलर आया है इसका, बहुत क्रीमी और बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। ये व्हाइट सॉस तैयार है। तो अब मैंने इसके अंदर 1/4 चम्मच चीनी के दाना डाला है, यानी शुगर डाली है 1/4 चम्मच, और मैंने इसको अच्छे से हिला लिया है। ये सॉस पूरी तरीके से तैयार हो गया। तो हम मैंने इसके अंदर हमारे पास जो 150 ग्राम पास्ते बॉयल थे वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए। तो चलिए अब हमारे पास 1/2 कप दूध था वो हमने इसके अंदर और डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो बहुत ही शानदार रेसिपी है ये, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और रही बात मशरूम की, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप कुछ भी वेजिटेबल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इसे हिला लेना है, जैसे ही उकाली आती है हमारे पास से बिल्कुल बनकर तैयार है। आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बनाते रहिए, खाते रहिए। तो मिलते हैं हम नई रेसिपी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है। तो चलिए बनाते रहिए, खाते रहिए और बताते रहिए। तब तक लिए नमस्कार।